सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। राइट नाउ वी आर एट एक्सप्रेस वे गोइंग टू आगरा। आगरा हम जा रहे हैं एक पपी लेने, पपी और आई कैन से अ फैमिली मेम्बर। और पपी लेना इज एन इमोशन, सो आई वुड लाइक टू शूट माई सेल्फ फॉर हैविंग दैट डॉग विद मी। बाकी देखते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पे, उसके बाद आप सबको उससे मिलवाते हैं। लेट्स गो। आ गए हैं डॉक्टर नेहरू कैट एंड डॉग हॉस्पिटल, जहाँ से हम लोगों ने वो डॉग लिया है। सो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके साथ शेयर करते हैं। जो भी लाइक डॉग की एसेसरीज होती हैं या फिर पपी को कैसे केयर करना है, तो वो सब आप भी आइए देख लीजिए। आगे हम डॉक्टर की आपसे बात करवाते हैं। तो अभी आकाश जो पपी है उसका खाना वगैरह लेने जा रहा है, और ये डॉक्टर नेहरू। जब भी आप कभी कोई छोटा बच्चा पपी को अडॉप्ट करते हैं, आप अपने पास रखते हैं उसे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि छोटा पपीज होता है उसको निगलाना नहीं होता है। एटलीस्ट आप इसको बच्चे को आप ना 2 महीने तक नहलाएं है, पर डेली आपका बच्चा साफ जरूर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक बार में आप ये ड्राई बात होता है इस तरह, ये विदाउट सोप के होता है, कि अगर आपने इसको स्प्रे से कर दिया इसको डेली इसको लेके ब्रशिंग करने के लिए पहले डेली आप इस पर ब्रशिंग करें। उससे क्या होगा, जितनी डस्ट वगैरह होती है वो सब निकल जाएगी, और जितनी अच्छी तरह से ब्रशिंग करेंगे उतनी डस्ट बाहर निकलती रहेगी। और ब्रश को अपोजिट भी करना होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप जैसे आपने बच्चे को करा, ये वाटरलेस थेरेपी है, आप आराम से इसको हाथ से भी रखेंगे तो सॉफ्ट टच लगा रहेगा, उसको परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डेली इस पर पाउडर आते रहिए, आप रोज एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल काफ़ी सारे पाउडर आते हैं, आपने इस पर थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल दिया तो इससे ना कोई टिक्स आएंगे, क्योंकि कोई भी इस वक्त मेडिसिन, बच्चा छोटा होता है तो उसको ऐसी मेडिसिन नहीं दे जो बॉडी के इसके लिए हार्मफुल हो। आपने इसको आराम से कर दिया तो बच्चा आपका साफ सुथरा बना रहेगा और स्मेल भी नहीं आएगी बच्चे में, ठीक है ना। ये उसके बाद में बॉडी पे से कोई स्मेल ना आए, और कई बार बच्चा नहाता नहीं है, तो आप किसी भी तरह का इसमें जो पेट फ्रेंडली डिओड्रेंट्स आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे को खुशबू भी आ रही है, आपके पास भी बैठा रहेगा, कमरे में भी डोलेगा तो स्मेल वगैरह नहीं करेगा। उसके बाद इसको बच्चे को 4 to 5 times देना होता है, हर घंटे खाना नहीं देना है। आप अपने पेट्स को 3 to 4 घंटे का गैप करके जरूर खाना खिलाए इसको आप। हाँ, ये मल्टीविटामिन ड्रॉप्स होती हैं जो बच्चे को पिलाई जाती हैं, इसमें लेके इसको 2-2 बूंद आप इसमें से करके 2 ड्रॉप्स साइड से पिला सकते हैं, तो बच्चा आराम से पी लेगा। इसके अलावा ऑलवेज बच्चे को एक डाइजेशन की ड्रॉप जरूर देनी चाहिए, कि बच्चा जो खाना खाएगा उससे उसका डाइजेशन अच्छा हो जाए, तो हम उसके लिए उसको डाइजेशन की भी ड्रॉप दे देंगे उसको, इस तरह से बच्चा पीता रहेगा। अच्छा, डाइजेशन की ड्रॉप देनी। हाँ, डाइजेशन की ड्रॉप देनी जरूरी होती है, जिससे कभी कभी पेट फूल जाता है उसका, तो आराम से खाने को पचा लेगा। इसके साथ साथ आप जैसे बच्चा चप्पल जूते काटता है कुछ करता है, तो आप उसके लिए इस तरह की छोटे छोटे बाइट्स होते हैं, जो बहुत छोटी बाइट्स होती हैं, आराम से बच्चे को देंगे तो उसको चबाता रहेगा, काटता रहेगा, है ना। ये दिन भर में आप इस तरह की छोटी बाइट्स होती हैं, दो तीन बाइट्स दे सकते हैं आप, ठीक है ना। स्प्रे आप दिन में 2 बार करें आराम से, डिओड्रेंट भी 2 बार कर सकते हैं, पाउडर का इस्तेमाल दिन में 1 बार करें वो सफिशियंट होता है इसका, ठीक है ना। मल्टीविटामिन और डाइजेशन की ड्रॉप दिन में 2 बार दें, इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ड्रॉप शुरू आती है उसको लेके आप इसको या तो खाने के ऊपर डाल सकते हैं या डायरेक्ट इसको पिला सकते हैं। ये भी 2 ड्रॉप्स इससे आपका बच्चा स्वस्थ बना रहेगा और हेल्दी बना रहेगा।
सो गाइस आपने देख लिया है, और अगर आप आगरा के रहने वाले हैं, आसपास आगरा के रहते हैं, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वो अभी आपको दे देंगे। तो मैं डॉक्टर संजीव नेहरू, डॉग एंड कैट हॉस्पिटल आगरा से। हमारे यहाँ पर बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, हम लोग डायलिसिस भी करते हैं। जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी फेलियर हो जाती है, उसके लिए हमने अपने यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा कर रखी है अपने यहाँ पर, तो हम लोग डायलिसिस भी करते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसे केसेस होते हैं जो फ्रैक्चर रहते हैं, उस जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं जो चलने में दिक्कत होती है, मसल्स पेन होता है, उसके लिए हमने लेज़र थेरेपी लगा रखी है। इस लेज़र थेरेपी के थ्रू बॉडी को बिना टच करे डॉग को हम लोग चला देते हैं। स्पाइनल इंजरी के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता है ये। इसके अलावा हम लोगों ने अपने यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कलर डॉपलर लगाया हुआ है, जिससे कि हम उनके हार्ट की बीमारियों का पता करते हैं, और एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए अल्ट्रासाउंड द्वारा सारी चीज़ों की फैसिलिटी द्वारा हम लोग उसमें उसकी बीमारियों का पता करते हैं। सर कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9837022777। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ये श्री टॉकीज के सामने बाईपास रोड पे मेरा हॉस्पिटल है। आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं अपने पेट्स के रिगार्डिंग, डॉग एंड कैट्स। और इसके अलावा अगर कोई भी आपने एक्जॉटिक पेट्स पाला हुआ है, रैबिट है, गिनी पिग्स है, बर्ड है, पैरट है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। थैंक यू सर।